जय हिंद दोस्तों। दोस्तों फाइनली वीवो ने अपना बहुत ही मजेदार फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो X60T Pro Plus। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा नाम है। तो आपके सामने ये फोन था, बात करेंगे और जानेंगे क्या है स्पेसिफिकेशंस, क्या है फीचर्स, कब से ये अवेलेबल होगा, क्या प्राइस होगी, इंडियन मार्केट में कब से मिलेगा, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिर तक, क्योंकि मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये है आपके सामने Vivo X60 Pro Plus और यहाँ पर आप जो स्क्रीन साइज देखते हैं वो मिल जाता है आपको 6.56 इंच का फुल HD प्लस 1080x2376 पिक्सल्स का अमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी 19.8.9 एक्सपेक्ट रेशियो के मौजूद में मिलेगा। ये फ़ोन Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ में आएगा दोस्तों, जहां पर आपको 12GB की रैम मिलेगी, LPDDR5 रैम होगी और यहां पे 256GB की UFS 3.5 स्टोरेज भी मिल सकती है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि एंड्रॉयड 11 पर काम करता है, जहां पर आपको वीवो का ओरिजिनल OS 1.0 देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहां पर आपको फोटोग्राफी के लिए कैमरा ऑप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें पीछे की तरफ, तो यहां पर रियर कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप है, जहां पर आपको मेन कैमरा सेंसर मिलेगा 50 MP का GN1 प्राइमरी सेंसर। वहीं पर आपको मिलेगा 48 MP का सोनी IMX598 सेकेंडरी कैमरा और उसके बाद मिलता है आपको 12 MP का तीसरा कैमरा। साथ ही में बात करें लास्ट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 8 MP का चौथा कैमरा भी देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको वीडियो कॉलिंग और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 4200 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 55 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको 55 W का फास्ट चार्जिंग का फ्लैश चार्जर, जो वीवो की तरफ से आती है टेक्नोलॉजी, उसका यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको 3G 4G का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ में आपको यहाँ पे 5G का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ पर ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, V.52, NFC और USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल सकते हैं। कलर टेम्परेचर सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई कंपस, जायरोस्कोप और एक लेजर फोकस सेंसर भी शामिल होता दिखाई देगा। सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। साथ ही में आपको यहां पर 2-3 कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और बात कर लेते हैं लास्ट में वेट की, तो यहां पर आपको ये फोन 190.6 ग्राम्स तक का मिल सकता है, यानी कि 196 या फिर 190.6 ग्राम, इससे समझ लीजिए इतने वेट के अंदर आपको फोन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो दोस्तों ये था आपके सामने Vivo X60T Pro Plus के बारे में सारी जानकारी और डिटेल्स। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस की, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस निकल के आ रही है सामने, वो अप्रॉक्स 57,400 से लेके आपको 8GB और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में यहाँ पर ये प्राइस पड़ सकते हैं, यानी कि 57,000 to 58,000 के रेंज में सॉरी। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों 12GB प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, तो यहाँ पर अप्रॉक्स इसकी प्राइस जो निकल के आ रही है वो अप्रॉक्स आ रही है 69,000 के करीब। जी हाँ, तो ये इसकी प्राइस निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अवेलेबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों हाल फिलहाल ये जो फोन है ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही लॉन्च किया गया है। इंडियन मार्केट में कब से अवेलेबल होगा इसके बारे में कोई भी डिटेल्स अभी सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन ये तो श्योर है कि वीवो अपना कोई भी फोन चाइना मार्केट में उतारता है तो इंडिया में भी डेफिनेटली उतारता है, भले ही उसे रीब्रांडिंग क्यों ना करना पड़ता हो। तो यहाँ पर आपको सारी स्पेसिफिकेशन इसी तरीके से देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जानकर। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि इस तरीके के वीडियोस में आप लोग लाता रहूं और आपको हमेशा अपडेट करता रहूं। तब तक लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर, वंदे मातरम।